तो सीआईडी विवाद पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है और साथ ही वो खुद इसे सुलझा लेंगे। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए रणनीति बनाएंगे। सीएम के पास अभी जो है सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है, इसके लिए कैबिनेट में जो है उसको पास कराना पड़ेगा। इंटरनल मामला सब कर लेंगे। जितना क्या सब कुछ चल रहा है, सब पार्टियों का अपना जो राइट होता है, पोलिटिकल पार्टियां अलग अलग नीति अपने हिसाब से प्लान बनाती हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी सब मिल करके और कांग्रेस को कैसे बाहर रखा जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे बाहर रखा जाए, इस टारगेट को लेकर तो सीएम और गृह मंत्री विच अब सीआईडी विभाग को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पर सीआईडी विभाग सीएम के अधीन दिखा दिया गया है। तो वहीं अनिल विच का कहना है कि यह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर मंत्रियों को मिले विभाग पर नजर डालेंगे तो सीएम के अधीन वाले सभी विभाग भी दिखेंगे, लेकिन सीएम और गृह मंत्री के बीच जो सारा मामला है वो है 12 नंबर पर मौजूद इस विभाग का, सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकारें वेबसाइट से नहीं चलती, सरकारें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं। वेबसाइटों से नहीं चला करती, सरकारें चलती हैं रूल ऑफ लॉ से। और हरियाणा बिजनेस ऑफ एलोकेशन में पेज नंबर 30 पर होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत रूल 5 में साफ लिखा हुआ है कि सीआईडी इसका अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, विज ने कहा कि कानून के मुताबिक सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है। हालांकि विज ने ये भी कहा कि वैसे तो सीएम सुप्रीम हैं और अगर वो विभाग बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कैबिनेट और विधानसभा में इसे पास कराना होगा। वैसे मुख्यमंत्री जी सुप्रीम होते हैं, वो चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, पर बदलने के लिए पहले कैबिनेट में पास करवाना पड़ेगा, फिर विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद इसको बदला भी जा सकता है। और आज की तारीख तक तो कोई ऐसा चेंज हुआ था। यानी ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि अब सीआईडी विभाग को लेकर सीएम और गृह मंत्री विज आमने सामने हैं, क्योंकि हाल ही में सीआईडी विभाग को वेबसाइट पर अपडेट कर सीएम के अंतर्गत दिखाया गया, जिस पर अनिल विज ने साफ शब्दों में न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि ये भी कह दिया कि बिना कैबिनेट और विधानसभा में पास किए विभाग ऐसे नहीं बदले जा सकते हैं। जनता टीवी के लिए अम्बाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उधर हरियाणा में सीआईडी को लेकर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री के बीच तल्खी के बाद सीआईडी विभाग में सुधार लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मिली सिफारिश के बाद दरअसल कमेटी का गठन किया है, जिसके चेयरपर्सन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन को बनाया गया है। साथ ही आईपीएस केपी सिंह और साथ ही आईपीएस पीआर देव को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।